प्रदेश की कांग्रेस सरकार न केवल जनता के साथ बल्कि मवेशियों के साथ भी अन्याय कर रही है। इसी को लेकर आज मंगलवार 6 फरवरी को आराध के विधायक प्रभु चव्हाण के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने गौमाता के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मांग की गई कि उत्पादकों को सब्सिडी में वृद्धि, गाय भैंस आदि खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की मांग की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल, विधायक श्री सरनु सलगार, डॉ शैलेन्द्र बलदाड़े, जिला महासचिव पीरप्पा यारानाले, माधव होसुरे और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। ये राज्य सरकार जो मुख्य प्राणी के लिए हमने जो जो योजना लागू किया था, अर्थात गोहत्या निषेध कानून चालू किया था, इन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। मुख्य प्राणी के लिए 1962 एम्बुलेंस, कोई हमारा जानवर बीमार गिरा तो हमारा डॉक्टर हमारा स्कैनिंग लेके जानवर को रेत के घर तक जाना, उसको हॉस्पिटल लेके आना, उसका इलाज करना और बाद में छोड़ना, ये था। वो भी 1962 एम्बुलेंस वो लोगों ने बंद कर दिया है, नाम के लिए है इधर लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तीसरा हमारा डिमांड ये है कि जो हमारे किसान का दूध का पैसा जो हमारे माजी मुख्यमंत्री ने 5 रुपये प्रति सब्सिडी दिया था प्रोत्साहन धन, वो भी 700 कोटी के आसपास थक बाकी हुआ है, नहीं दे रहा है। इसलिए उसके बाद में हमारा जो प्राणी सहायवानी केंद्र है, हमारे डिपार्टमेंट का जो जो माहिती है हम जना के लिए खुला किया था, इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। उसके बाद में जिले को गौशाला, एक जिले को एक गौशाला 1 कोटी रुपये देकर के हमने किया था, 30 गौशाला प्रारंभ किया था, 70 गौशाला डिक्लेयर किया था, 70 में से 52 गौशाला को जगह हम गोमाला जगह आके किया था। कर्नाटक के इतिहास में मैं मंत्री बनने के बाद, हमारी सरकार ने के बाद सभी जिले को गौशाला आधुनिक गौशाला और गौमाला जगह, नहीं तो गौमाला जगह कोई भी हड़प कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लूट रहा है, पूरा गौशाला हम प्रति जिले में गोमाला जगह हमें 15 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, 2 एकड़ ऐसा हमने एक्वायर किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है, हम जो जो निर्णय करें वो निर्णय पूरा सरकार बंद कर रहा है, उसके विरोध में प्रोटेस्ट।